गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं प्रियंका और प्रियंका ब्यूटीज में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो अगेन एक लहंगा और लुगड़ी का है, जो कि मुझे अभी ये मैं लेके आई हूं। एंड क्या आप देख सकते हो, जो लुगड़ी है पीच कलर में है एंड जो लहंगे का कलर है वो पिंक कलर में है। और मैं आप लोगों तीनों को ही वन बाय वन कर करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले गाइस देख लेते हैं लहंगे को। ये आप देख सकते हो, यह है गाइस ज्वेलरी वाला लहंगा। एंड गाइस, इस टाइप में आपको और भी कलर वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, जैसा कलर आप चाहते हो वैसा मिल जाता है। लेकिन ये वाला कलर अभी चल रहा था तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये वाला ले लेती हूँ। एंड इसमें ना और भी शायद कलर थे, जैसे ब्लू हुआ, ग्रीन हुआ, ऐसे सारे ही कलर थे। तो ये मैं आपको ना थोड़ा खोल के भी दिखा देती हूँ। और ये मैंने ना जैसे पन्ने में आते हैं, जैसे एक पन्ना दो पन्ना, तो ये मैंने लिया था 10 पन्ने का, जो कि आपको मैं पूरा दिखा भी देती हूँ। और पन्ना जैसे मीटर होता है उससे थोड़ा छोटा होता है, तो आप देख सकते हो ये इसका एक पन्ना है इस साइज में, और ये मैंने 10 पन्ने का लिया था। एंड साथ में ही इसमें जैसे टाइप करने के लिए डोरी जो बनानी होती है, जैसे लोकल लैंग्वेज में उसको नाड़ा बोलते हैं वो, एंड जो नेफा लगाना होता है वो भी इसमें साथ में अवेलेबल होता है। ये आप देख सकते हो, जो कि इसमें अटैच्ड है ये। एंड जो ये आप देख सकते हो, जो ये पन्ने हैं वो इस साइज के हैं, ये मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ। और ये आप देख सकते हो, ये जॉइंट बीच में से कर रखे हैं जो पन्ने हैं उनको, और ये यहाँ से यहाँ तक का ही एक पन्ना है ये। और ये पूरे टोटल 10 पन्ने का लहंगा है। इसमें आप जितना चाहते हो उतने पन्ने आप ले सकते हो, जैसे कोई 10 का 12 का, जितने का आप लेना चाहते हो वो दुकान पे आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड जो इसमें एम्ब्रॉयडरी की गई है वो भी आप देख सकते हो, सिंपल सी है लेकिन थोड़ी सी लुक में अलग है, काफ़ी अच्छी मुझे लगी है। कलर कॉम्बिनेशन इसका मुझे ठीक लगा था तो इस वजह से फिर ये मैंने लिया है। एंड ये अभी मैंने बनवाया नहीं है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। एंड ये आप इसकी जो ज्वेलरी है वो भी आप देख सकते हो। लेकिन गाइस, जैसे जो रेडीमेड जैसे लहंगा आता है एंड जो खुद से बनवाते हैं उनमें थोड़ा सा ज्वेलरी का डिफरेंस रहता है। जैसे जो रेडीमेड है उनकी ज्वेलरी थोड़ी बड़ी आती है नीचे से। और मुझे जैसे मैंने बनवाया था एक ग्रीन कलर का लहंगा, जो आपने पहले मेरे वीडियो में देखा हो, उसकी ज्वेलरी मुझे थोड़ी इससे छोटी लग रही थी। तो ये एक चीज़ मुझे लगी है दोनों में डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस मुझे लगा है, बाकी मुझे इनमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं लगा है। एंड ये आप एम्ब्रॉयडरी इसकी देख सकते हो, स्काई ब्लू कलर एंड जैसे येलो, ग्रीन एंड ब्लैक एंड क्रीम कलर के 5 कलर इसमें कॉम्बिनेशन में मिलाए गए हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। एंड ये मुझे इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो भी मुझे थोड़ी नई पैटर्न में लगी, तो मैंने इसको ले लिया है। एंड मैं आपको इसको एक लुक इसका बैक कैमरे से भी दिखा देती हूँ, जिससे कि थोड़ा आप लोगों को इसका लुक एंड कलर, इसमें पता नहीं क्यों ये रेड सा कलर दिख रहा है, बाकी रेड कलर है नहीं, पिंक कलर है, जो रोज़ पिंक कलर होता है ना वैसा वाला पिंक कलर है। पता नहीं रेड से ऐसे क्यों दिख रहा है, ये आप देख सकते हो इस टाइप का पिंक कलर है ये बिल्कुल एग्जैक्ट कलर है ये वाला इसका, तो इस कलर का है। एंड ये कलर अभी मतलब आपको मार्केट में ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, तो इसलिए क्योंकि ये कलर अभी ट्रेंड में काफ़ी चल रहा है, इसलिए फिर ये कलर मुझे पसंद आया और मैंने ले लिया है। और मैं आप लोगों को थोड़ा इसको ना वीडियो थोड़ा इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है उसको भी थोड़ा मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊंगी, जिससे कि थोड़ा सा और आप लोगों को समझ में आ जाए। एंड अगर आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी वगैरह अच्छी लगी है और आप भी ऐसी बनवाना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, एंड जहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह बनाते हैं आप वहाँ जाके ऐसे एम्ब्रॉयडरी अपने खुद के लिए भी आप लोग बनवा सकते हो। तो ये है गाइस मेरा लहंगा, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड अपने जो भी ग्रुप वगैरह है उसमें ज़रूर से शेयर करें, ताकि सब लोग मतलब ऐसे वीडियो एंड जो भी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है वो सारी चीज़ें देख सकें। तो आप देख सकते हो गाइस, इसकी एम्ब्रॉयडरी मैं आप लोग को थोड़ा क्लोज से दिखा देती हूँ, जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ पाए। एंड गाइस, इसमें फ्लेयर बहुत अच्छा हो जाता है जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है,
उसके बाद ना इसमें फ्लेयर बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरी बात, ये नीचे जो झल्लर होती है या फिर आप इसको फ्रिल भी बोल सकते हो, इनसे भी इसका जो फ्लेयर है वो और भी ज़्यादा हेवी हो जाता है, क्योंकि ये लुक में थोड़ा अच्छा लगता है और न्यू पैटर्न टाइप में भी ये लगता है। तो ये था गाइस मेरा लहंगा, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड गाइस, अब जो है वो है शर्ट। इसका ना अधिकतर मतलब शर्ट ही बनती है, जिसे लेडी शर्ट आप बोल सकते हो, जो कि ये ना स्काई ब्लू कलर में है, लाइट कलर है बिल्कुल, जिसमें कि ये फ्लावर फूल पत्ती टाइप की इसमें प्रिंट की गई है और डॉट 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 भी बनाए गए इसमें बारीक बारीक से छोटे छोटे, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड आई थिंक ये शर्ट जैसे ब्लैक कलर का जो लहंगा है उस पे, या फिर जैसे ब्लू कलर का लहंगा उस टाइप के कलर पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। एंड इस टाइप की शर्ट को ऐसा नहीं है कि आप लहंगे के साथ ही पहन सकते हो, आप जैसे कोई भी लॉन्ग स्कर्ट के साथ भी इसको पहन सकते हो, क्योंकि ये जब बन जाती है उसके बाद काफ़ी अच्छी लगती है, जिसे स्कर्ट के साथ आप पहन सकते हो। एंड गाइस, इस शर्ट का जो मटेरियल है वो है कॉटन मिक्स में, कॉटन अच्छी वाली कॉटन मिक्स में है। एंड आप देख सकते हो इसमें जो प्रिंट वगैरह की गई है, इस टाइप की प्रिंट है, जिसमें ब्लैक एंड ब्लू कलर की जो है ये प्रिंटिंग इसमें की गई है, क्योंकि काफ़ी अच्छी भी लग रही है। एंड ये बनने के बाद जैसा रहेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ इसका एक फ़ोटो ज़रूर से शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसकी किस टाइप की शर्ट बनेगी या बनती है। एंड गाइस, इसकी ना जैसे मुझे लेडी शर्ट बनवानी है, तो लेडी शर्ट जैसे आजकल कई लेडीज़ भी सिलती है एंड टेलर भी बनाते हैं, तो आप अपने हिसाब से जैसे शर्ट बनवाना चाहते हो वैसे बनवा सकते हो। और इस टाइप में ना और भी कई प्रिंट वगैरह मिल जाती है, कई चेक वगैरह में भी मिलती है, तो आपको जैसी पसंद है वैसे आप ले सकते हो एंड बनवा सकते हो। मुझे इस ड्रेस के साथ ये थोड़ी ठीक लगी थी इसलिए मैंने ये ली थी। एंड अभी तक मैंने इनमें से किसी को भी नहीं बनवाया, जैसे लहंगा भी नहीं बनवाया एंड शर्ट भी। जब ये बन जाएंगे तो उसका भी मैं आप लोगों से इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। एंड अब लास्ट जो पार्ट है इस पूरे वीडियो का वो है ये लुगड़ी, और ये लुगड़ी अभी चल रही थी, इसको आप ओढ़नी कह सकते हो, लेकिन लोकल लैंग्वेज में इसको लुगड़ी ही बोला जाता है। एंड गाइस, ये कलर अभी चल रहा था तो मुझे लगा कि चलो ये वाला ले लेती हूँ। एंड ये आप देख सकते हो इसमें जो एम्ब्रॉयडरी की गई है, जो पहले मैंने आप लोगों को दिखाई है उससे डिफरेंट है बिल्कुल, मतलब वर्क वैसा ही है, जैसे फ्लावर की डिज़ाइन पैटर्न आपको लगभग थोड़ी थोड़ी उनसे मिलती जुलती मिल जाएंगी, लेकिन जो बॉर्डर पे जो एम्ब्रॉयडर की गई है उसका पैटर्न मतलब डिज़ाइन जो है वो पहले वाले से डिफरेंट है। और ये आप इसमें फ्लावर भी देख सकते हो, इसमें तीन टाइप के फ्लावर बनाए गए हैं, जो एक चौकोर में है एंड एक ये फ्लावर टाइप में है, दो पैटर्न है जो फ्लावर टाइप में है, इस टाइप के इसमें ये पैटर्न बनाए गए हैं। एंड गाइस, इसमें ना जैसे कि सेम इसी पैटर्न में ना कांच भी लगे हुए थे, ओरिजिनल मिरर जो होते हैं, जैसे फ्लावर्स के बीच बीच में एम्ब्रॉयडरी में जो ये फ्लावर टाइप का पैटर्न बनाया गया है इनमें बीच में, लेकिन वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो धुलने पे निकल जाते हैं, इसीलिए फिर उनको लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने यही वाली ली। एंड इनकी रेंज हर जगह पे अलग अलग होती है, अलग अलग रेंज में ही आपको मिल जाएंगी। एंड इसका जो मटेरियल है वो आप देख सकते हो, इसे कॉटन में ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा या फिर ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा इसका मटेरियल है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये फिसलने वाली है या फिर इस टाइप में नहीं है, बिल्कुल ये काफ़ी अच्छी सी है। एंड इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा अलग ही है, तो इस टाइप का कलर जैसे ब्लू कलर का लहंगा हुआ, जैसे कि ग्रीन कलर हुआ, ब्लैक कलर हुआ, उस पर और भी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। एंड इसमें जो एम्ब्रॉयडरी की गई है वो भी आप देख सकते हो, येलो ग्रीन ब्लू एंड गोल्डन कलर में है, तो ये काफ़ी अच्छे से आप इसको ना किसी भी ड्रेस का लहंगा इस पर आप मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो। एंड एक और चीज़ की, जैसे अगर इनमें मिरर लगे हुए होते हैं, तो अगर जैसे आपको अगर मिरर वगैरह पसंद है तो आप खुद से भी मिरर परचेज करके आप इनमें भी अटैच कर सकते हो, और उनका भी एक ग्लू मिल जाता है लगाने के लिए, तो उसको और मिरर लेके आप इसमें अटैच कर सकते हो, तो उससे भी ये एक अच्छी बन जाएगी एंड आपको कम प्राइस में भी थोड़ा इसमें लग जाएगा। तो ये था गाइस मेरा वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताए। एंड मैं आपको ये बैक कैमरे से भी इसका फुल लुक दिखा देती हूँ, जिससे कि आप लोग को थोड़ा और अच्छे से ये समझ में आ जाए इसकी जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह है वो। एंड इसका जो कलर है वो भी चल रहा है पीच कलर टाइप में इसका कलर है, एंड काफ़ी अच्छा है ये वाला कलर। एंड गाइस, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसकी साइड में जो बेल आइकन वाला बटन दिया हुआ होता है उस पर भी ज़रूर से क्लिक करें, ताकि मेरे और भी आने वाले जो भी रिव्यू वीडियोज़ हो, चाहे ऑनलाइन के या ऑफलाइन के, वो सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप लोग उसे देख सको। एंड आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा जो भी वीडियो मेरे होते हैं उनको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टिल देन, बाय गाइज़।